साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल। 80 और 90 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपने शानदार अभिनय और मनमोहक सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी। जिनके नृत्य और अदाओं की दुनिया दीवानी थी। जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर महज 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया चुन ली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी रूह कांप गई और उसका असर सालों तक इनके दिलो दिमाग पर रहा। क्या आपको पता है कि एक मूवी सेट पर एक जाने माने फिल्म निर्देशक ने इन्हें प्रपोज किया और प्रपोजल ठुकराने पर इन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब प्रताड़ित करता रहा। और क्या आप मानेंगे कि उस दौर के एक जाने माने शादीशुदा सिंगर का बसा बसाया घर तोड़ने का आरोप इन पर लगा और इन्हें इस कदर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा कि हताश होकर इन्होंने अपना अर्श पर चल रहा करियर ही छोड़ दिया और अमेरिका चली गईं। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। उन्हें दामिनी फिल्म की सशक्त महिला दामिनी कहा जाए या घायल फिल्म की हसीन वर्षा, उन्हें एक सुपर डांसर कहा जाए या बेहतरीन अदाकारा, उनकी हर पहचान निराली है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे की उस एक्ट्रेस की जिन्हें हम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानते हैं। हम उनके जीवन की घटनाओं के बारे में चर्चा करें उससे पहले जानते हैं कौन थी मीनाक्षी शेषाद्री और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके घर वालों ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे और माँ गृहिणी होने के साथ साथ भरतनाट्यम की एक कुशल डांसर भी थीं। इसलिए इन्होंने बेटी को बचपन से ही भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड में ही हुई। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी अक्सर डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थीं। उनका डांस और उनकी खूबसूरती देखकर उनके दोस्त और मिलने वाले उनसे अक्सर कहा करते कि तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हैं, शो की जान तो आप थे, बहुत अच्छा नाचती हैं आप, बल्कि आप जैसे कलाकार को तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। धीरे धीरे उनके स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गईं। बाद में मीनाक्षी ने भरतनाट्यम के अलावा तीन तरह के और क्लासिकल डांस सीखे जिनमें कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी शामिल थीं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम और जया रामा राव से इन्होंने नृत्य में महारत हासिल की। अपने 12th के एग्जाम के बाद छुट्टियों में मीनाक्षी ने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा और उसमें हिस्सा ले लिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गईं और फिर उसी साल मीनाक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। मीनाक्षी ने उसी साल जापान के टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 1981 में भारत को रिप्रेजेंट किया और सबकी नजरों में आ गईं।
टोक्यो से लौटने के बाद उनके पास मॉडलिंग के ऑफर की लाइन लग गई। उसी दौरान मनोज कुमार जी एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। जब उनकी नजर अखबार के एक विज्ञापन के जरिए मीनाक्षी पर पड़ी तो वो मीनाक्षी की खूबसूरती से प्रभावित हुए और उन्हें अपने फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस प्रकार मीनाक्षी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू से की। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, पर इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो का ऑफर मिला। यहाँ आपको बता दें कि सुभाष घई साहब ने ही इनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया और अब एक नई अदाकारा का जन्म हुआ। इस फिल्म में इनके अपोजिट जैकी श्रॉफ थे। साल 1983 में उनकी फिल्म हीरो रिलीज हुई और रातों रात सुपरहिट हो गई और मीनाक्षी बन गई स्टार। इसके बाद तो मानो उनके फिल्मी करियर को पंख लग गए। मीनाक्षी ने फिर बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, शहनशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी फिल्में की। मीनाक्षी ने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया और बुलंदियों पर पहुंच गईं। बॉलीवुड में उन्हें फिल्म दामिनी से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई और इसमें उनके शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। उर्मी की तबाही को चटपटी कहानी बनाकर किश्तों में बेचा है प्रेस ने, तो उसकी बर्बादी को पैसे बटोरने का जरिया बनाया है पुलिस ने। सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर को संवारने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने एक समय अपनी अधिकतर फिल्मों में मीनाक्षी को ही साइन किया था, जिसमें घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में शामिल हैं। निगाहों ने छेड़ा है दिल का तराना सुनकर। हालांकि मीनाक्षी को उनकी इतनी सारी फिल्मों में लेने का राज उस समय खुला जब राजकुमार संतोषी ने फिल्म दामिनी की शूटिंग के दौरान उनसे अपने प्यार का इजहार किया। राजकुमार संतोषी उनसे शादी करना चाहते थे मगर मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन उनका ये इनकार उनके लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया। बताते हैं कि इसके बाद तो डायरेक्टर साहब बेवजह मीनाक्षी के शॉट्स को कई बार रीटेक कराते और सबके सामने उन्हें बेइज्जत करते रहते। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इसी बर्ताव से परेशान होकर उन्होंने अपनी बची हुई फिल्में तुरंत कंप्लीट की और इसके बाद आनन फानन में फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दी, क्योंकि वो इस तरह की परेशानियों से आजिज आ चुकी थी। वहीं एक्ट्रेस की परेशानियों से जुड़ा एक और किस्सा भी सामने आया था। कि मीनाक्षी जब फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग कर रही थी तो फिल्म का एक गाना शूट करने के लिए मुंबई में जुहू का एक बंगला किराए पर लिया गया था। यहाँ इस गाने की शूटिंग के बाद रेस्ट के लिए जब वो बंगले के एक कमरे की तरफ जा रही थीं, तभी एक शख्स ने उन पर अचानक अटैक कर दिया। मीनाक्षी घबरा गईं और तेज तेज चिल्लाने लगीं और उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़कर आए और मीनाक्षी को उस शख्स से छुड़ाया गया। उसने मीनाक्षी को इस कदर जकड़ रखा था कि छुड़ाने के बाद भी वो घंटों डर के साए में कांपती रहीं, रोती रहीं। उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया तो पूछताछ में पता चला कि वो मीनाक्षी का एक पागल फैन था जो उनको पाना चाहता था। बता दें कि इस बात की चर्चा नीतीश भारद्वाज ने भी अपने एक इंटरव्यू में की थी, जो कि उस फिल्म में मीनाक्षी के को स्टार थे। मिले मन से ये मन, मिले
फिल्म जानकार बताते हैं कि फिल्म जुर्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार सानू ने गाया था और इस फिल्म के प्रीमियर पर उनकी मुलाकात हुई फिल्म की अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री से और प्रीमियर शो पर हुई पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कुमार सानू के सेक्रेटरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं और अभी भी वो मीनाक्षी शेषाद्री को डेट कर रहे हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। बात बिगड़ चुकी थी क्योंकि कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे और इस खुलासे के बाद कई जिंदगियों में बवाल मच गया था। इस बात का पता चलते ही कुमार सानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य ने कुमार सानू से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो पहले उन्होंने इसे अफवाह बताया, लेकिन जब बात बहुत बढ़ गई तो कुमार सानू ने अपने इस नाजायज रिश्ते को स्वीकार कर लिया। फिर उनकी पत्नी रीता ने 1994 में कुमार सानू से तलाक ले लिया और इसकी पूरी जिम्मेदार मीनाक्षी शेषाद्री को माना जाने लगा। एक गृहस्थी बर्बाद हो गई थी और कई जिंदगियां उलझ गई थी। उस समय के फिल्मी मैगजीन और न्यूज़पेपर ने इसके लिए मीनाक्षी को खूब कोसना शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि इन सब बातों से परेशान होकर मीनाक्षी ने अचानक एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अपना अर्श पर चल रहा फिल्मी करियर छोड़कर विदेश चली गई। सबको ताज्जुब तो हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस घटना के बारे में लोगों ने बात करनी बंद कर दी थी और मीनाक्षी ने भी तब यही सोचा होगा कि किसी तरह इस सब से छुटकारा मिले। मीनाक्षी और हरीश के दो बच्चे हुए, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। बाद में अमेरिका के टेक्सास में उन्होंने एक डांस स्कूल खोला जिसमें वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांस सिखाती हैं। स्कूल का नाम चेरिश डांस स्कूल है और इसके जरिए वो कई चैरिटी शो भी ऑर्गेनाइज करती हैं। मीनाक्षी ने अपने फिल्मी करियर में कई अवार्ड भी अपने नाम किए जिनमें फिल्म स्वाति, दामिनी और जुर्म शामिल हैं। हालांकि उन्हें कोई फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड तो नहीं मिल सका, लेकिन वो कई बार इसके लिए नॉमिनेट जरूर हुई और कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए दर्शकों की खूब वाहवाही भी बटोरी। 2006 में उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसका नाम है मीनाक्षी एक्सेप्ट्स हर विंग्स। अब मीनाक्षी फिल्मी दुनिया से दूर एक अलग तरह की जिंदगी जी रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से भी मुखातिब होती रहती हैं। वो पुराने दिन की टीम मीनाक्षी शेषाद्री के खुशहाल, स्वस्थ और कामयाब जीवन की कामना करती है। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही मीनाक्षी शेषाद्री से जुड़ी अगर कोई और बात आपको पता हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।